हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नवरस में। आज मैं कुछ डिफरेंट लेकर आई हूँ। आज मैं बिगनर्स मेकअप लुक लेकर आई हूँ, और वो चाहे तो कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी कर सकती हैं, हाउसवाइफ्स कर सकती हैं, और मतलब कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ 5 मिनट का मेकअप है। वो बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में आप कर सकते हैं और बहुत कम प्रोडक्ट से। तो ये बिगनर्स मेकअप लुक है, तो मैं प्रोडक्ट्स भी जो यूज़ करूँगी बहुत अफोर्डेबल होगा, काफ़ी कम प्राइसेस का होगा। तो चलिए ठीक है, अब वो मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लें, तो जो मैंने वो पहले कर लिया है। तो आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें मेकअप करने से पहले। उसके बाद हम, ये बिगनर्स मेकअप लुक है, कोई हैवी लुक नहीं है, बहुत सिंपल लुक है। तो इसलिए तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये NYBAE का बीबी क्रीम। ये NYBAE का बीबी क्रीम है और ये SPF 20 है। तो इसे हम अपने फिंगर्स पे थोड़ा सा निकाल लेंगे और डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अच्छे से फैला लेंगे। और ये बिगनर्स मेकअप लुक है, इसलिए इसमें मैंने ब्रश का यूज़ नहीं किया है, सारा मेकअप मैं हाथों से ही करूँगी। तो अपने हाथों के हेल्प से पूरे फेस पर अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इवेनली अच्छे से पूरे फेस पर मिला लेंगे। ऐसे नेक पर भी लगाएं थोड़ा सा, ताकि इवन टोन लगे। ये स्टे क्यूर की का फेस पाउडर, ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा कवरेज देता है, मीडियम कवरेज देता है। तो जिनका ऑयली स्किन हो वो ज़रूर फेस पाउडर यूज़ करें, जिनका ड्राई है वो भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। यह लैक्मे का आइकॉनिक काजल, ये बहुत ज़्यादा अच्छा काजल है, काफ़ी डार्क ब्लैक है और स्मज प्रूफ है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी टाइम तक टिका रहता है आँखों पर। यह पेन लाइनर, तो पेन लाइनर जो होता है वो बिगनर्स के लिए काफ़ी इजी होता है लगाना, क्योंकि जेल लाइनर हो या फिर लिक्विड लाइनर हो वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है लोगों को लगाने में। लेकिन पता नहीं आज मुझे क्या हो गया, मेरे से लग नहीं रहा था पेन लाइनर से भी, शायद कैमरा के कारण। मिरर में देखकर लगाना थोड़ा इजी होता है, कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए मैंने मिरर की हेल्प से अपने लाइनर को कंप्लीट करने का कोशिश किया। तो फाइनली मेरा नाइन लाइनर लग गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ आईलाइनर को लगाने में। तो ये है ब्लू हेवन का मस्करा, ये काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छा है, और मस्करा को हमेशा स्मूथली धीरे धीरे अच्छे से लगाएं, ताकि उसका जितने धीरे धीरे लगाएंगे उतना थिक लेयर होगा और उतना ज़्यादा आपका जो लैसेज हैं आँखों का वो कर्ल दिखेगा और खूबसूरत दिखेगा। और ये है ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल। तो जिनकी आईब्रो थिक है वो नहीं भी यूज करेंगे आईब्रो पेंसिल तो चलेगा, तो मैंने आईब्रो को सेट कर लिया है आईब्रो पेंसिल कर। उसके बाद ये है NYBAE का पिंक लिपस्टिक,
ये विथ ऑर्गन ऑयल लिपस्टिक है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्वालिटी वाइज। तो मैंने लिपस्टिक की हेल्प से ही पहले लिप लाइनर की तरह आउटलाइनिंग किया है, उसके बाद फिर इसे मैंने अच्छे से मिला लिया और ये काफ़ी पिगमेंटेड है, एक से दो स्ट्रोक में बहुत अच्छा कलर आता है। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इसका कलर। और मैंने इसी लिपस्टिक की हेल्प से ब्लश का भी काम किया है, तो ये देखिए। कितनी आसानी से स्प्रेड भी हो गया और कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये मेकअप। ये देखिए मेरा चिक कितना अच्छा लग रहा है। तो बिगनर्स मेकअप लुक था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं किया, इतने में ही मैंने अपने मेकअप को कंप्लीट कर लिया है। तो आपको ये मेकअप कैसा लग रहा है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और आप कोई भी अपनी फेवरेट ईयरिंग्स पहन लें। तो मुझे ये ईयरिंग्स काफ़ी कैजुअली काफ़ी अच्छा लगता है और मेरे पे काफ़ी सूट भी करता है, इसलिए मैं ईयरिंग्स पहनती हूँ। तो आपको ये मेरे पे ये ईयरिंग्स कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो फाइनली मेरा लुक कम्प्लीट हो गया। तो मेरा ये बिगनर्स मेकअप लुक आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरा मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।